बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात करेंगे व्यूज़ पर। और सबसे पहले सब लोगों का माइंड में ये आ रहा होगा कि भाई मेरे अपने तो व्यूज़ 5 हैं, 10 हैं, 50 हैं, और आप हमें बताएंगे कैसे 5,000, 10,000, 1,00,000, 20,000, 500 व्यूज़ लाते हैं अपनी वीडियोस पर। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अब यह ट्रिक नहीं यूज़ करता। इसकी वजह यह है कि मेरा चैनल हो चुका है मोनेटाइज। जब चैनल मोनेटाइज हो जाते हैं तो मतलब कि आपकी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है। और जो ये जो ट्रिक है ना, जब आप ये ट्रिक लगाएंगे तो आपके जो व्यूज़ आएंगे ना, वो सर्च से आएंगे, यानी कि लोग सर्च करके। जैसे आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मेरा जो आपके सामने है, 94% मेरे जो व्यूज़ आ रहे हैं सर्च से। तो इस तरह की मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ और भी वीडियोस दिखाऊंगा जो मेरी मतलब मोनेटाइज होने से पहले मतलब कि वीडियोज़ पर व्यूज़ आएँ। मैं अभी भी ये ट्रिक यूज़ करता हूँ, लेकिन ना होने के बराबर, क्योंकि यूट्यूब को 1 मिनट लगेगा चैनल बंद करने में। तो इसलिए मैं डरता हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, अगर आप किसी वीडियो पे 500 व्यूज़ हैं ना, 500 व्यूज़ हैं, अगर आप वो ट्रिक यूज़ कर देना, 500 से एकदम से 5,000 तक चली जाएगी, यानी कि सर्च से। तो फिर ये हो सकता है कि मुझे यूट्यूब के एल्गोरिथम को लगे कि भाई ये जो बंदा है, या तो कोई हैकिंग कर रहा है पैसे कमाने के चक्कर में, या तो कोई दो नंबरी कर रहा है, इसलिए चैनल डीमोनेटाइज हो सकता है, या मतलब कि चैनल बंद कर दें। तो मुझे ये डर रहा है, तो इसलिए मैं अब ये ट्रिक नहीं यूज़ करता। 1 मिनट में मतलब कि अगर आपकी 500 व्यूज़ हैं, अगर आप ये ट्रिक लगाएं, एक दिन में अगले 24 घंटे में 10,000, 5,000, अगर किस्मत अच्छी हो तो 20,000 तक चले जाएंगे आपकी व्यूज़। मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ, 20,000 का मतलब है कि 200-300 सब्सक्राइबर भी आपके मिलेंगे। तो इसलिए मैं अभी ये डरता हूँ। पहली बात मैं बता दूँ आप लोगों को, इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि दूसरे लोगों की तरह मैं लाइव प्रूफ दूँगा। आपको पता है कि मैं हर एक बात का लाइव प्रूफ देता हूँ। जैसा कि मैंने लाइव प्रूफ दिया था, 1,000 सब्सक्राइबर 7 दिनों में कैसे पूरे करते हैं शॉर्ट्स की मदद से। मैंने 1,000 सब्सक्राइबर आप लोगों को करके दिखाया, लाइव प्रूफ डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके बाद मैंने एडसेंस को फिक्स किया था, पेन का प्रॉब्लम था, वो भी लाइव प्रूफ दिखाया था। मैंने दूसरे यूट्यूबर की तरह नहीं हो कि भाई गूगल से पिक्चर ली और उसी पर मतलब कि तस्वीरें करते रहे कि भाई तबसरे करते रहे कि भाई ये करो वो करो ये करो। तो मेरा चैनल रियूज्ड आ गया था, मेरे चैनल पे मतलब मोनेटाइज के लिए अप्लाई किया था और रियूज्ड में चला गया। तो उसको मैंने फिक्स किया था, लाइव प्रूफ दिखाया था आप लोगों को। तो अब ये भी लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि कैसे मैंने मतलब कि चैनल पर से व्यूज लाते हैं, कैसे मतलब कि आप चैनल ग्रो कर सकते हैं। और व्यूज़ जो आएंगे सर्च से आएंगे, सर्च से जो व्यूज़ आते हैं वो मतलब कि आपकी वीडियो को बहुत पावरफुल बनाता है, आपकी वीडियो को और रैंक में लेके जाता है। तो सर्च मतलब कि ये आपके सामने है यूट्यूब सर्च। तो मैं अब क्यों ट्रिक नहीं यूज़ कर रहा आप लोगों को बता दूं, मेरा एक चैनल था 30-40 वीडियोस थी। अब मेरे से उस गलती की वजह से मुझे डर है अभी भी। वो 30-40 वीडियोस थी 3 साल पहले, इस चैनल से पहले टेक्निकल वो भी चैनल था इसी तरह का, तो उस पर 30-40 वीडियो थी। ये ट्रिक मेरी अपनी ईजाद की हुई है, आज तक आपने कभी भी किसी यूट्यूबर से नहीं सुना होगा कि जिस ट्रिक के बारे में। सब यूट्यूबर कहते हैं कि अच्छे टाइटल दें, फला वेबसाइट से आप टैग निकालें, आप ये करें वो करें, अच्छा थंबनेल बनाएं। मेरी कुछ वीडियो रैंक कर रही हैं बगैर थंबनेल के भी। मैंने ये ट्रिक लगाई है और इस ट्रिक की मदद से बगैर थंबनेल के मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये रहा ये देखें, कोई थंबनेल नहीं है और वीडियो के जो सर्च आ रहे हैं अभी भी यूट्यूब सर्च से 46% जो है सर्च से आ रहा है यूट्यूब सर्च से। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ, कोई फ़ोटो नहीं है, तो आप लोगों को दिखा देता हूँ कि थंबनेल का भी तलक नहीं है इस ट्रिक में। यानी कि अगर आप ये ट्रिक यूज़ करते हैं तो इसका कोई भी थंबनेल से भी तलक नहीं है। इस ट्रिक से मतलब व्यूज़ आपके आएंगे आएंगे और सर्च से आएंगे, यानी कि जो वीडियो को बहुत पावरफुल बनाता है, आपकी वीडियो को मतलब कि स्ट्रॉन्ग बनाता है कि भाई आपकी वीडियो में वाकई कोई दम है। तो आप देख सकते हैं 46% जो है वो सर्च से आ रहा है यूट्यूब सर्च, परसेंटेज ऑफ व्यूज़ फ्रॉम यूट्यूब सर्च। तो ये दूसरा जो आ रहा है शॉर्ट से फीड से आ रहा है, तो आप देख सकते हैं 46%। उसके बाद 94% जो आ रहे हैं वो यूट्यूब सर्च से आ रहे हैं। आप देखें मतलब कितना मतलब मेरे सारा वीडियो सर्च से आ रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने ट्रिक जो लगाई थी वो 30-40 वीडियोस पर एक साथ लगा दी, यानी कि 1 घंटे में मेरे जो 30-40 वीडियोस थी उस पर जो व्यूज़ आ रहे थे 4-5 माने, यानी कि 10 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे थे। अब क्या हुआ, जब मैंने ये ट्रिक लगाई है 1 घंटे के अंदर, यानी कि 30-40 मिनट में मैंने 30-40 वीडियोज़ पर थे मैंने वो ट्रिक लगा दी है। अब क्या हुआ है, जिस टोटल ओवरऑल जो चैनल पर जो मेरे व्यूज़ आ रहे थे वो आ रहे थे 10
10 से कम आ रहे थे, यानी कि 4-5 व्यूज आ रहे थे, मुझे अभी तक याद है 4-5 ही आ रहे थे। मैं बहुत मतलब टेंशन में था कि भाई मेरे व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे थे। तो फिर ये अल्लाह ने मुझे ये ट्रिक दे दी थी, तो अब मेरे से गलती हुई, मैंने सारे लगा दिए। अब क्या हुआ, ट्रिक से एकदम से जो चैनल है ना वो सर्च से आने शुरू हो गया, यानी कि सर्च से लोग सर्च करके वीडियो आ रहे। अब क्या हुआ, 1 घंटे बाद वो 1,000+ व्यूज़ आ गए हैं, जिस पर मतलब कि 48 घंटों में 4 से 5 व्यूज़ आ रहे थे, 1 घंटे के अंदर वो 1,000+ व्यूज़ आ गए हैं। अब यूट्यूब के एल्गोरिथम लगे कि भाई इसने कोई हैकिंग कर दी है, या इसने मतलब के कोई बॉट या कोई भी इसने 2 नंबरी की है, जिसकी वजह से मेरा चैनल हो गया डिसेबल। अब वो रीज़न है कि मैं अब डर लगता है, तो इस वजह से मुझे डर लगता है। ये मतलब नहीं कि मैं नहीं करता, करता हूँ, लीगल ट्रिक है, कोई मसला नहीं, मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। ये जो अभी मैंने ट्रिक की हुई है, तो क्या करना है आपने, ट्रिक में क्या है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जो वीडियो है, यानी कि सजेस्ट जो आई है 2% और सर्च में आई 94%। तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ आपने क्या करना है। तो ये रही मेरी वीडियो, ठीक। तो अगर आपके किसी भी वीडियो पर 50 व्यूज़ आएँ, तो आपके 500 व्यूज़ गारंटी है, मेरी गारंटी है मेरी, आपके व्यूज़ आएंगे। तो मैं आप लोगों को दिखा दूँ, लाइव सर्च से आ रहे हैं जितने भी मेरे, आप इस पे 1,000 व्यूज़ थे, ठीक है, इस वीडियो पे 1,000 अभी भी आ रहे हैं, $25 मिले मुझे, मिले 11,000 व्यूज़ पे। तो आपने क्या करना, 213 मुझे घंटे भी मिले। अब उसके बाद एक और वीडियो है, इसके रीच में जाते हैं, इसके रीच में जाके देखते हैं मुझे कितने, 14,000 व्यूज़ हैं। तो ये देखते हैं कितने कहाँ से मिली है मुझे, 80% सर से मिली है, ठीक। उसके बाद ये वीडियो है, अब देखते हैं इसके वीडियो में, ये सारा रिफ्रेश हो रहा है पेज, तो आपको पता चलेगा कि भाई ये कोई भी फोटो नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे वापस आते हैं, 1 मिनट, तो एनालिटिक्स में आके रीच में आते हैं, तो यहाँ पे आप देखते हैं जो है 78% यूट्यूब सर से, यानी कि जितने भी यूट्यूब सर से आते हैं तो आपकी वीडियो को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अब मुझे यहाँ पे आप देखें कितने घंटे मिले हैं, एंगेजमेंट देखते हैं, 506 घंटा, एक आम यूट्यूबर के लिए बहुत ज़्यादा होता है 506 घंटा। अब मैं आप लोगों को बताऊँ कौन सी ट्रिक है, ट्रिक क्या है, मैं आप लोगों को बता दूँ। ट्रिक ये है, अगर आपकी किसी भी वीडियो पे 50 व्यूज़ आएँ या 500, कोई भी वीडियो जिस पे ज़्यादा व्यूज़ आएँ, कैसे व्यूज, जब आपने वीडियो अपलोड की है उसको आपने कोई भी किसी को शेयर नहीं किए, किसी को लिंक नहीं दिया कि भाई मेरी वीडियो देखें, कोई ऐसी वीडियो जिस पे 50, 100, 200 व्यूज़ आए लेकिन आपने कहीं भी किसी को लिंक नहीं दिया, यानी कि लो आप, फिर आपने क्या करना है, उसके उसी वीडियो के एनालिटिक्स में आके रीच में आना है। रीच में आके ये बेहतरीन टैग्स हैं, दुनिया के सबसे बेहतरीन टैग्स ये मेरा ही इजाद किए हुए हैं, ये ट्रिक मेरी इजाद की हुई। तो रीच में आके यहाँ पे जो है लिखा हुआ है ट्रैफिक सोर्स जो भी है, तो ये आप देखें यूट्यूब सर्च के सोर्स हैं। तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको अगर पेस्ट करता हूँ ना, तो यहाँ पे आप देखें, ये देखें मेरे जो भी है आईफोन स्क्रीन, ग्रीन स्क्रीन फिक्स, तो ये भी मेरा मतलब के दिए हुए टैग यहाँ पे, और उसके बाद यहीं कहीं पे भी होगा डिस्क्रिप्शन पे भी मैंने ये देखें, यानी कि 5 बार टोटल है, तो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे दिया। उसके बाद फिर मैंने ये दिया, उसके बाद आप देखिए जितने भी मेरे यहाँ पे, अगर आपके पास 50 व्यूज़ हैं, अगर 100 व्यूज़ हैं, तो 2-3 टैग्स ही होंगे, तो आपने इनको कॉपी करना है, उसके बाद सीधा जाके टैग्स में पेस्ट कर देना है, एक एक करके, थोड़ी सी मेहनत है, मतलब थोड़ी मामूली सी मेहनत है, उसको सारों को पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी टैग्स हैं ना, तो यहाँ पे फिल कर दें, यहाँ पे आप देख सकते हैं 4500, मतलब 5000 के अलावा मैंने 4500 सारा आईफोन फिक्स ग्रीन स्क्रीन, आईफोन फिक्स ग्रीन स्क्रीन, तो इनको मैंने ऐड कर दिया। अगर इस वीडियो की बात करें तो आते हैं यूट्यूब डिटेल्स में, डिटेल्स में आके आप देख सकते हैं, इस पे भी मैंने ये देखें, यानी कि मैंने सारा कुछ दिया हुआ है, जो भी आपकी वीडियो रीच में जाके उसके जो भी टैग हैं, यानी कि जो यूट्यूब सर्च वाले टैग हैं ना, वो जाके अपने टैग्स में लगा दें, एक बार एडिट करें, एक बार अगर आपने सारी वीडियो को एडिट किया ना यूट्यूब, फिर वो एडिट या आने वाले एक्टिविटीज़ की वजह से आपका चैनल डिसेबल कर सकते हैं, या आपका जो सर्च में ज़्यादा वीडियो का रैंक करने शुरू हो जाएगी, तो उसकी वजह से भी आपका चैनल डिसेबल कर सकते हैं। मेरा साथ हुआ है भाई, मैं जो भी बताता हूँ आप लोगों को वो मेरे साथ हो चुका होता है, तब मैं आप लोगों को बता रहा होता, मैं ऐसे मतलब क्या ऊपर से नहीं बना देता बातें। तो
ये बेहतरीन जो ट्रिक्स है ना, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरा कोई भी यहाँ पे थंबनेल ले दिया, कोई भी थंबनेल के बगैर अगर आपकी वीडियो 5 टैग्स आपको मिल जाते ना किसी भी वीडियो पे, मैं कहता हूँ आपको 500 व्यूज पे लाजमी लेके जाएगी। आपने सिर्फ क्या करना है, 4 बार, एक बार उसमें लगा देना है, क्या कहते हैं, टैग्स में, जहाँ पे टैग्स लगाए जाते हैं, यहाँ पे जो टैग लगाए जाते हैं, यहाँ पे जो शो हो रहा है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में 5 टैग्स है, उनको पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट करते जाएं, पेस्ट करते जाएं, 5,000 तक, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा 4,500 भरा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नंबर लिखा हुआ आता है, तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपने पूरा इसको कर देना है। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आपके व्यूज़ भी आएंगे नए और सब्सक्राइबर भी आएंगे। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ मेरे न्यू व्यूज़, और हर वक्त मेरे न्यू व्यूज़ आ रहे हैं, तो मेरा आपको मैं दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे जो सब्सक्राइबर लास्ट डे में जो बढ़ रहे हैं, मतलब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, एनालिटिक्स में जाते हैं, मैं नया यूट्यूबर हूँ, कोई पुराना नहीं हूँ, मतलब मेरे को मिलियन में सब्सक्राइबर नहीं है, 2,000 व्यूज़ है, सब्सक्राइबर हैं, तो मेरा आप देख सकते हैं सब ऊपर जा रहे हैं, यानी कि प्लस में जा रहे हैं सब कुछ, तो आप देख सकते हैं मेरे मतलब कि व्यूज़। लेकिन अब मैं ट्रिक नहीं यूज करता, आप देख सकते हैं मेरे पिछले 28 दिनों में 79+ सब्सक्राइबर आए हुए हैं। तो अब यहाँ पे जाते हैं, क्या कहते हैं, ऑडियंस में, अब ऑडियंस में हमें पता चलेगा कि न्यू है कि पुरानी, ये देखें यानी कि कितनी परसेंट मेरी ऑडियंस न्यू आ रही है, तो ये एक बेस्ट तरीका है जिससे आप न्यू सब्सक्राइबर भी लेंगे। जब आप इस तरह के व्यूज़ आएंगे आपके न्यू, यानी कि आप देख सकते हैं मेरे जो रिटर्न व्यूज़ हैं, यानी कि मेरे जो सब्सक्राइबर वाले हैं वो 59 आए हैं और 561 जो है न्यू आए हैं। अब 500 में से मतलब कि 2-3 जो सब्सक्राइबर मुझे मिले होंगे, तो ये एक बेस्ट तरीका है जिससे आपके न्यू सब्सक्राइबर भी आएंगे, न्यू व्यूज़ भी आएंगे। अगर न्यू व्यूज़ आएंगे तो इसका मतलब न्यू सब्सक्राइबर, आप देख सकते हैं मेरे रिटर्न बहुत कम आ रहे हैं लेकिन न्यू आ रहे हैं, मतलब कि मेरी जो न्यू व्यूज़ अगर आपके ज़्यादा आ रहे हैं तो इसका मकसद है, इसका मतलब है कि भाई आपकी जो टाइटल है या टैग्स हैं वो बेहतरीन है। और मेरे रीज़न यही है कि मैं क्या करता हूँ, वो जो मेरे 5-10 व्यूज़ आ जाते हैं उसके बाद जो मुझे मिलता है वो मैं लगा देता हूँ। तो आई होप आपको समझ आ चुकी होगी, ये बेहतरीन ट्रिक है, बगैर आप कोई आप वीडियो अपलोड कर दें, उसमें भी टाइटल डिस्क्रिप्शन लगा दें, उसके बाद 10 दिनों के बाद आप देखें आपका टैग्स कौन सा रन कर रहा है, यानी कि आपके टैग्स कौन सा टैग रैंक कर रहा है, तो उसको एडिट करें, उसको कॉपी पेस्ट करके लगा दें, गारंटी के साथ इंशाल्लाह आपका टैग, आपकी वीडियो व्यूज आएंगे और आपको सब्सक्राइबर मिलेंगे। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी, इतनी लंबी वीडियो बन चुकी है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ये ट्रिक मैंने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं की थी लेकिन अब मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस तरह की और भी मैं वीडियोस लाता रहूँगा जो कि व्यूज़ पर, जो कि रियल बेस पर हो, आपको कुछ फ़ायदा भी हो, तो इस तरह की मैं लाता रहूँगा। लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी मेहनत के लिए लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।